मैं सबसे पहले तो आपकी क्षमा चाहता हूं क्योंकि मैं आज इलेक्शन कमीशन की तरफ से कुछ मुक्ति मिलने के कारण मैं सोच रहा था कि बिजनौर से मैं चुनाव अभियान का प्रारंभ करूं रूबरू आकर के, लेकिन मौसम के कारण मेरा हेलीकॉप्टर नहीं निकल पाया और उसके कारण मुझे फिर एक बार वीसी से ही आपके दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। साथियों, ये धरती भगवान श्री कृष्ण और पांडवों के श्री चरणों की साक्षी है। महात्मा विदुर की कर्मभूमि और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनेक वीर सपूत पैदा करने वाली इस धरती को मैं आदर पूर्वक नमन करता हूं। आज यहां बिजनौर के साथ ही अमरोहा और मुरादाबाद के साथी भी जुड़े हुए हैं। उन सभी का भी मैं स्वागत करता हूं। साथियों, अपनी बात की शुरुआत मैं क्षेत्र के ही मशहूर कवि दुष्यंत कुमार जी की दो लाइनों से करूंगा। दुष्यंत कुमार जी ने कहा था, उन्होंने लिखा था, यहां तक आते आते सूख जाती है कई नदियां, मुझे मालूम है पानी कहां ठहरा हुआ होगा। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में भी विकास की नदी का पानी ठहरा हुआ था। ये पानी नकली समाजवादियों के परिवार में, उनके करीबियों में ठहरा हुआ था। इन लोगों को सामान्य मानवी की विकास की प्यास से, प्रगति की प्यास से, गरीबी से मुक्त होने की प्यास से कभी कोई मतलब नहीं रहा। वो सिर्फ अपनी प्यास बुझाते रहे, अपने करीबियों की पास प्यास बुझाते रहे और अपनी तिजोरियों की प्यास बुझाते रहे, बस अपना स्वार्थ सोचने वाली यही प्यास विकास की नदी के हर बहाव को सोख लेती है। अपना घर भर लेने की यही प्यास गरीबों को घर नहीं देने देती थी। अपनी जेबें भर लेने की यही प्यास गरीब का राशन चट कर जाती थी। प्रोजेक्ट लटकाकर कमाई करने की इसी प्यास से लाल फीताशाही और लेट लतीफी को ताकत मिलती थी। भाइयों और बहनों, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को अपना परिवार मानती है। हमारा मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इसलिए बीजेपी की सरकार में भाई भतीजावाद और तुष्टीकरण की कोई जगह नहीं है। जब पीएम आवास योजना में घर मिलता है
तो हर गरीब को घर मिलता है, उसकी जाति, उसका पंथ, उसका क्षेत्र नहीं देखा जाता। जब उज्ज्वला योजना से गैस का कनेक्शन मिलता है तो माताओं बहनों की जाति नहीं पूछी जाती, न उनका पंथ पूछा जाता है। हमारी सरकार में जब मुफ्त राशन मिलता है तो किसी भी की बिरादरी, किसी का समाज, कौन क्या है, ये किसका बेटा है, क्या है, कुछ नहीं जाना पूछा जाता। जब गन्ना किसान का बकाया भुगतान किया जाता है, सिंचाई का पानी मिलता है, वो सभी को बराबरी से मिलता है। ये फर्क मेरे उत्तर प्रदेश के किसान, मेरे उत्तर प्रदेश के गरीब भाई बहन, मेरे उत्तर प्रदेश के नौजवान, ये फर्क जो है ना, इसको कभी भूल नहीं सकते हैं। जो लोग आज जात पात के नाम पर वोट मांग रहे हैं, जाति का वास्ता दे रहे हैं, सत्ता में आने पर इन्हें केवल ही केवल उनके परिवार का स्वार्थ याद रहता है। साथियों, पिछले 5 साल में योगी जी की सरकार का प्रयास रहा है कि विकास कुछ ही इलाकों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इसी सोच के साथ हमारी सरकार मुरादाबाद, बिजनौर, अमरोहा जैसे शहरों में भी कनेक्टिविटी बढ़ा रही है। करीब 500 किलोमीटर का दिल्ली लखनऊ इकोनॉमिक कॉरिडोर भी मुरादाबाद से ही होकर गुजरेगा। अलीगढ़ मुरादाबाद कॉरिडोर का काम भी तेजी से पूरा किया जा रहा है। डबल इंजन की भाजपा सरकार में मुरादाबाद बरेली कॉरिडोर भी पूरा होने जा रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे के रूप में इस इलाके को बहुत बड़ी सौगात आपके नसीब होने वाली है, आपको मिलने जा रही है। बिजनौर से मुरादाबाद तक के 4 लेन हाईवे पर भी तेजी से काम हो रहा है। इससे पूरा जिला आसपास के सभी प्रमुख स्थानों से जुड़ जाएगा। साथियों, योगी जी की सरकार ने पिछले 5 साल में इन इलाकों में, इस क्षेत्र में बहुत से बड़े और जहां जरूरत पड़ी वहां छोटे भी अनेक पुल बनवाए। इनसे गंगा पार से आने जाने वाले किसानों का रास्ता भी आसान हुआ है। डबल इंजन सरकार ने सड़कें और रिंग रोड बनाकर यहां के लोगों की जिंदगी में रोजमर्रा की मुश्किलों को आसान किया है। बिजनौर में करीब 300 करोड़ की लागत से महात्मा विदुर मेडिकल कॉलेज का काम भी तेजी से चल रहा है। साथियों, आजादी के इस अमृत काल में हमने उत्तर प्रदेश को लेकर भी कई सपने देखे हैं। हम चाहते हैं आने वाले 25 वर्षों में जब देश आजादी के 100 साल पूरे करे तो यूपी विकास की सुनहरी गाथा के साथ
अपना परचम लहराए। हमारी सरकार लगातार कोशिश में जुटी है यहां के व्यापारियों, उद्यमियों, किसानों को हर संभव सहायता दी जाए। हमारी सरकार ने बिजनौर की नगीना काष्ठकला को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना में शामिल किया है। इस वजह से आज बिजनौर की कला की पहचान विदेशों में और बढ़ रही है, दुनिया भर में मशहूर मुरादाबाद के पीतल को भी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना से जोड़ा गया है। हमारी कोशिश है कि पीतल नगरी मुरादाबाद दुनिया में सोने सी चमक हासिल करे। आने वाले समय में यहां पर इंडस्ट्रियल पार्क लगेगा और दो कॉमन फैसिलिटी सेंटर भी बनेंगे। उत्तर प्रदेश की कर्मठ योगी सरकार दिन रात मेहनत में लगी है जिससे छोटे उद्यमियों को मदद मिल सके। बिजनौर, मुरादाबाद और अमरोहा के युवा के सामने अवसरों की कमी ना हो, यही हमारी प्राथमिकता है। साथियों, केंद्र सरकार और यूपी की भाजपा सरकार अपने किसान भाइयों के सम्मान और उनका अधिकार वापस दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले 5 साल में गन्ना किसानों को 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान किया गया है। इतना तो पहले की 2 सरकारों में मिलकर नहीं किया गया है। पहले की सरकारों में गन्ने की पर्ची से लेकर गन्ना बकाए के भुगतान तक हर जगह नकली समाजवादियों का ही बोलचाल था, उन्हीं का राज था। पीएम किसान सम्मान निधि हो, छोटे किसानों की आर्थिक मदद हो या किसान भाइयों की फसल का बीमा हो, हमारी सरकार ने यह सब सीधे बैंक खातों में उपलब्ध कराया है, कोई बिचौलिया नहीं। साथियों, हम हर वो व्यवस्था लागू करने की कोशिश में जुटे हैं जहां किसानों को खाद के लिए कहीं भागदौड़ न करनी पड़े और यूरिया आपके खेतों तक कम लागत में पहुंचे। पिछली राज्य सरकारों में यूरिया आती थी किसानों के लिए, लेकिन चली जाती थी कालाबाजी करने वालों के पास। हमने प्रदेश में वर्षों से बंद पड़े गोरखपुर खाद कारखाने को फिर से चालू किया है। वहां से निकला नीम कोटेड यूरिया पूरे प्रदेश के किसानों के खेतों को लाभ पहुंचाएगा। चौधरी चरण सिंह जी के आदर्शों को अपनाते हुए हर किसान का सम्मान ये हमारा ध्येय है। पहले की सरकारों में यूरिया खाद के लिए यूपी के किसानों ने लाठियां तक खाई हैं, जिन्होंने सत्ता में रहते हुए किसानों को ये दिन दिखाए थे वो कभी किसानों का भला नहीं कर सकते, वो सिर्फ किसानों को धोखा दे सकते हैं। साथियों, ये जो लोग
आज चौधरी चरण सिंह की विरासत की दुहाई देकर आपको बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको एक और बात बताता हूं, आपको जानकर आश्चर्य होगा, पहले की सरकार में गेहूं की जितनी सरकारी खरीद हुई थी, योगी जी की सरकार ने उससे दो गुना से भी ज्यादा गेहूं एमएसपी पर खरीदा है। योगी जी की सरकार में किसानों से अनाज खरीद में हर साल नए रिकॉर्ड बनाए गए हैं। अपने किसानों को और पूरे पश्चिमी यूपी को मैं एक बात और याद दिलाना चाहता हूं। आज जो लोग आपको बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे जरूर पूछिएगा, जब उनकी सरकार थी तब वो इस इलाके में आपके गांवों में कितनी बिजली देते थे? यूपी में और पश्चिम यूपी में ये बात होती थी या नहीं कि हमारा किसान और युवा बिना बिजली के मात खा जाता है? घर घर में ये चर्चा होती थी कि बिजली के अभाव में नौजवानों का भविष्य कैसे रौंदा जा रहा है। आज जब आपके गांव गांव में बिजली आ रही है तो इसका हिसाब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? उन्होंने प्रदेश को अंधेरे में रखा ताकि अपराध बढ़े, हमने बिजली दी ताकि विकास बढ़े। भाइयों और बहनों, पहले की सरकारों ने यूपी का बहुत समय गंवा दिया है, अब यूपी को उस नुकसान की भरपाई करते हुए और तेजी से आगे बढ़ना है। पहले की सरकारों का मॉडल समस्या पैदा करो फिर सहानुभूति के नाम पर सब समेट लो का था। उनके इस मॉडल से किसान, नौजवान, गरीब, शोषित, दलित सब परेशान थे। आप याद करिए, महिलाओं से, हमारी बहनों बेटियों से छेड़छाड़ कितनी आम बात थी। हालात इतने खराब थे कि चेन लूटे जाने पर इस बात का शुक्र मनाया जाता था कि चलो जान तो बच गई। योगी जी की सरकार ने बेटियों को उस भय से मुक्त करके दिखाया है। हमने बेटियों को उनका असल सम्मान दिलाया है। हमारी सरकार ने बिजनौर, मुरादाबाद और अमरोहा में हजारों बहनों को उज्ज्वला के जरिए मुफ्त कनेक्शन देकर उनका जीवन आसान बनाया है। पिछले 5 साल में इन इलाकों में इंटर कॉलेज, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, डिग्री कॉलेज बनवाए हैं। भाइयों और बहनों, पिछली सरकारों ने गरीब की कभी चिंता नहीं की, गरीब उनके लिए हमेशा राजनीति का माध्यम रहा। हमारी सरकार गरीब की हर जरूरत का ध्यान रखते हुए उसकी हर चिंता को कम करने का प्रयास कर रही है। आयुष्मान भारत के जरिए हमने गरीब को बीमारी के दौरान इलाज के खर्चे की
चिंता से मुक्त किया है। इसका लाभ मुरादाबाद, बिजनौर और अमरोहा के 3 लाख से ज्यादा गरीब को सुनिश्चित हुआ है। आज यूपी में हर जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी के लिए अस्पतालों का निर्माण हो रहा है। साथियों, आज उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है, समझ रही है कि यूपी का विकास कौन कर सकता है। पहले उत्तर प्रदेश को शुद्ध जल भी नसीब नहीं होता था, आज हर गांव के हर परिवार को नल से जल की सुविधा दी जा रही है। और मेरी माताएं बहनें इन कामों के कारण हमें आशीर्वाद देती है। पहले गिनती के एक्सप्रेसवे थे, आज नए एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो चुके हैं। पहले की सरकारों ने यूपी की छवि को खराब किया, आज यूपी 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला देश का पहला राज्य बन रहा है। यह सिर्फ भाजपा की डबल इंजन सरकार में ही हो सकता है, क्योंकि हमारी सोच ईमानदार है और काम असरदार है। साथियों, एक बहुत जरूरी बात मैं पूरे यूपी और खासकर पश्चिमी यूपी के लोगों से कहना चाहता हूं। आपने देखा है कि योगी जी के शासन में अपराधी किस तरह खुद भागकर जेल गए और मांग करते रहे हमें बंद कर दो। वो सालों से इस चुनाव का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें एक ही उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी चुनाव आए, कैसे भी सरकार बदल जाए ताकि वो जेल से बाहर आ सके। ये अपराधी मना रहे हैं कि किसी भी तरह पुरानी वाली माफिया राज वाली सरकार आ जाए। जो अपराधी यूपी छोड़कर भाग गए थे, वो भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सरकार बदले तो फिर से लौटकर आए। मैं ये अपराधी चाहते हैं कि लूट, डकैती, छिनैती का जो धंधा 5 साल से ठप पड़ा है, यूपी की जनता से उसकी भरपाई करें, बदला लेने के मूड में है। इनके गुर्गे भी पूरी ताकत लगाए हुए हैं। ये लोग जात पात के नाम पर बंटवारा करके भाजपा को रोकना चाहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस खेल से सावधान रहिएगा। इस चुनाव में और कुछ नहीं देखना है, केवल कमल छाप देखना है, केवल भाजपा को देखना है। भाजपा आएगी तो आपकी सुरक्षा होगी, ये आएंगे तो गुंडों के सपने पूरे होंगे। जब आप वोट डालने जाएं, तो भी जरूर याद रखें, आप यूपी के लिए ही नहीं बल्कि देश के लिए भी वोट दे रहे हैं। आप यूपी के मतदाता हैं और यूपी के विकास के बिना देश का विकास भी नहीं हो सकता। यूपी के मतदाता हमेशा ये याद रखकर वोट देते हैं।
पिछले कई चुनावों ने आपने ये साबित करके दिखाया है, आज भी आपका जोश बता रहा है एकजुट होकर आप सही फैसला लेने को तैयार हैं। इसलिए यूपी ने ही जिस मिजाज से यूपी में मैं देख रहा हूं, यूपी ने है भरी हुंकार एक बार फिर योगी सरकार। मेरा आप सभी से एक और आग्रह है, मतदान के दिन इसी प्रकार की तेजी से, इसी प्रकार के उत्साह से मतदान कीजिएगा। पहले मतदान फिर जलपान, इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको फिर से एक बार रूबरू नहीं पहुंच पाने के लिए क्षमा चाहता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।